भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित वीरों की भूमि राजस्थान। ये वो भूमि है जहां पर महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा जैसे वीर प्रतापी राजा हुए हैं। महाराणा प्रताप ने त्याग और बलिदान का अप्रतिम उदाहरण पूरी दुनिया के सामने पेश किया। आज उसी महाराणा प्रताप की जन्मभूमि राजस्थान में पहले रेगिस्तान की हम सैर पर चलते हैं। आप सबने राजस्थान के पाकिस्तान की सीमा के पास दूर दूर तक फैले दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में से एक थार के रेगिस्तान की तो सैर की ही होगी। यहाँ दूर दूर तक फैले हुए रेत के टीले अलग ही मनमोहक नजारा पेश करते हैं और पूरी दुनिया से पर्यटकों को खींच कर यहाँ पर ले आते हैं। आपने भी यहाँ पर कई दिन और कई रातें रेत के टीलों पर गुजारी होंगी। लेकिन क्या ये मनमोहक रेत के टीले, बेजान जमीन जहाँ दूर दूर तक पीने का पानी और छाया के लिए कोई पेड़ नहीं मिलता है, हमेशा से ऐसा ही था या फिर किसी घटना की वजह से ये ऐसा बन गया? तो जहाँ पूरे भारत में मैदान, पहाड़ और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वहीं भारत के पश्चिम में स्थित राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान स्थित है। कभी इलाका बहती हुई नदियों का इलाका था जिसके कारण यहाँ पर प्रचुर मात्रा में हरियाली थी, लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई देती है। यहाँ इतनी ज्यादा रेत है कि मुंबई जैसे शहर पर इस रेत की कई सारी परतें चढ़ाई जा सकती हैं। ये इलाका भी विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ रेत के बड़े बड़े रेगिस्तान हैं, तो बड़े बड़े घास के मैदान भी। यहाँ बंजर जमीन भी है तो पहाड़ भी है। यहाँ पर इन सबको आकार देने वाला पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो वहीं कुछ इलाकों में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। यहाँ अपने आप को हालातों के अनुसार ढालने वाले छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीव भी पाए जाते हैं। कह सकते हैं कि भले ही थार का रेगिस्तान बंजर भूमि से भरा हुआ हो, लेकिन ये भी प्रकृति का एक अनोखा नमूना है। यहाँ दिन तपते हैं तो वहीं रातें ठंडी रहती हैं। तो आज हम आपको भारत के सबसे बड़े थार के रेगिस्तान की सैर पर चलते हुए इससे जुड़ी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात, जो आपने शायद पहले कभी ना सुनी होगी, जानने की कोशिश करेंगे। अंतरिक्ष से देखने पर भारत हमें साफ दिखाई देता है। रात के अंधेरे में लाखों करोड़ों चमचमाती लाइटों में इसे साफ साफ देखा जा सकता है। चमचमाती लाइटों के कारण ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, लेकिन भारत के पश्चिमी छोर पर इस तरह की लाइट बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डार्क स्पॉट दिखाई देते हैं। ये डार्क स्पॉट है भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में फैले थार के रेगिस्तान। यहाँ पर रोशनी सिर्फ प्राकृतिक तरीके से ही आती है। यहाँ रोशनी का सबसे बड़ा केंद्र सिर्फ और सिर्फ सूरज है। दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में शामिल थार का रेगिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी छोर पर फैला हुआ है, जो लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इस हिसाब से ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान 85% हिस्सा भारत में है, तो वही 15% हिस्सा पाकिस्तान में भी है। भारत का ये रेगिस्तान सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं है, ये पंजाब, हरियाणा और गुजरात के कच्छ तक फैला हुआ है। लेकिन इस रेगिस्तान का अधिकतर हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में ही पड़ता है। ये रेगिस्तान दुनिया के सबसे बड़े नमक के स्रोत कच्छ में जाकर खत्म होता है। इसे यहाँ पर खत्म करती है दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली पर्वत श्रृंखला। ये इसे भारत के दूसरे हिस्सों तक फैलने से रोकती है। इस सूखे बेजान दिन में तपते और रात में बर्फ की तरह ठंडे रेत के महासागर में खुद को जिंदा रख पाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर बड़े बड़े शहर मिलते हैं, यहाँ पर आबादी मिलती है। और यही कारण है कि थार का रेगिस्तान दुनिया के सबसे बड़े डेंस रेगिस्तान में से एक है, क्योंकि जितनी आबादी इस रेगिस्तान में पाई जाती है उतनी आबादी दुनिया के किसी भी रेगिस्तान में नहीं मिलती है। ये राजस्थानियों के जीवन के प्रति अटूट समर्पण को दर्शाती है। यही बात राजस्थानियों को दुनिया में सबसे अलग बनाती है। ये रेगिस्तान सिर्फ बंजर भूमि के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि भारत के लिए
इसका व्यापारिक और सामरिक महत्व बहुत ज्यादा रहा है। पिछले 2000 सालों से ये रेगिस्तानी इलाका बहुत बड़े ट्रेड मार्केट का एक प्रमुख रास्ता रहा है। ये पर हमेशा स्वामित्व की लड़ाई लड़ी जाती रही है, क्योंकि इसका व्यापारिक और सामरिक महत्व बहुत ज्यादा रहा है। इस कारण यहाँ पर बड़े बड़े राजशाहियों ने जन्म लिया, यहाँ पर बड़े बड़े साम्राज्य बने और इस लड़ाई में जीतने वाला यहाँ का राजा। इस रेगिस्तान में सबसे पहले सबसे बड़ा शहर आता है, जोधपुर। ये इस रेगिस्तान का दरवाजा है। यहाँ दुनिया में सबसे अलग दिखाई देने वाले नीले रंग के घर मिलते हैं। जिस तरह से जयपुर को उसके घरों के गुलाबी कलर के कारण पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक उसी तरीके से जोधपुर को हम ब्लू सिटी के नाम से बुला सकते हैं। पूरा शहर नीचे पहाड़ी की तलहटी के मैदान में बसा हुआ है, तो वहीं इस पूरे शहर पर नजर और शासन करने वाले पहाड़ की चोटी पर मेहरानगढ़ का किला बना हुआ है। जोधपुर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बना ये मेहरानगढ़ का किला अपनी अद्भुत बनावट के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है। इस कारण इस किले को बॉलीवुड ने ही नहीं, हॉलीवुड ने भी अपनी सबसे बढ़िया एक्टिंग पॉइंट के रूप में चुना है। यहाँ पर बॉलीवुड ने ही शूटिंग नहीं की है, बल्कि ये किला तो अपनी बनावट के कारण हॉलीवुड को भी रास आया है। यहाँ पर अनेक हॉलीवुड मूवीज की शूटिंग हो चुकी है, जिसमें से बैटमैन जैसी प्रसिद्ध मूवी भी शामिल है। जिस चोटी पर मेहरानगढ़ का ये किला बना हुआ है, ये चोटी हमेशा से ऐसी नहीं थी। वैज्ञानिकों ने अपनी खोज और अध्ययन के आधार पर पाया कि ये चोटी एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी थी। हजारों साल करोड़ों साल पहले जब इस वॉल्केनो में इरेक्शन होना शुरू हुआ, तब इस वॉल्केनो से निकली राख आकाश में राख के बादलों के समान छा गई, और जब ये राख ठंडी होकर नीचे उतरी, तब ये जमकर पहाड़ बन गई। इस कारण ही मेहरानगढ़ की इस चोटी को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जियोलॉजिकल मोमेंटम घोषित किया है, क्योंकि इसका जियोलॉजिकल महत्व बहुत ही बड़ा है। ये मेहरानगढ़ की चोटी बहुत सारे ऐसे राज खोल सकती है जो जियोलॉजिकल में आज भी जवाब के इंतजार में पड़े हुए हैं। ये थार का रेगिस्तान हमेशा से ऐसा नहीं था, यहाँ पर बहती हुई नदियां थी। अगर हम समय में करोड़ों करोड़ों साल पीछे जाएं, तो हमें पता चलता है कि जहाँ पर आज भारत है, वहाँ भारत नहीं था। भारत उस समय दक्षिण की तरफ बहुत ज्यादा खिसका हुआ था, लेकिन करोड़ों साल में प्लेटों के टकराव के कारण ये खिसकता हुआ उत्तर की तरफ आया और यूरेशिया में मिल गया। जब भारत को बनाने वाली प्लेटें यूरेशिया की प्लेटों से टकराई, तो प्लेटों के टकराने वाले हिस्से ऊपर की तरफ उठ गए और वहां बहने वाली नदियां खिसक कर नीचे की तरफ आ गई, और जहां पर आज का रेगिस्तान है, वहां पर बहने लगी। लेकिन इस टक्कर के कारण जमीन के ऊपर की तरफ उठने की गति यहीं पर नहीं रुकी, और ये लगातार उठती रही, जिसके कारण नदियां अपनी दिशाएं बदलने लगी, और कभी इस थार के रेगिस्तान में बहने वाली नदियां, इसको हरा भरा बनाने वाली नदियां, इसको छोड़कर यहां से दूर हटने लगी, जिससे यहां पर पानी की कमी होने लगी, और इस बिना पानी के कारण यहां की बायोडायवर्सिटी पूरे तरीके से खत्म हो गई, और ये जमीन पूरे तरीके से बंजर हो गई, जिसके कारण यहाँ पर बना थार का रेगिस्तान भले ही वैज्ञानिक शोध प्लेटों के टकराने और उसके कारण ऊपर उठने वाली जमीन को यहाँ पर होने वाली पानी की कमी का कारण मानते हैं, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग यहाँ पर प्रचलित एक लोक कथा में विश्वास करते हैं, और यहाँ पर पानी की कमी को एक बड़े संत का श्राप मानते हैं। मेहरानगढ़ की चोटी को चिड़िया की पहाड़ी भी कहा जाता था। इसकी चोटी पर एक बहुत बड़े संत तपस्या करते थे, अपना ध्यान लगाते थे। उन्हें चिड़िया नाथ के नाम से जाना जाता था, यानी चिड़ियाओं के बाबा। जब जोधपुर के महाराजा ने अपना नया महल बनाने के लिए जगह ढूंढना शुरू किया, तो उन्हें इस पहाड़ी से अच्छी कोई जगह नहीं मिली। इस पहाड़ी पर पहले से ही चिड़िया नाथ बाबा अपना ध्यान लगाते थे, इसलिए राजा ने अपने सिपाहियों से उस बाबा को इस जगह को छोड़कर जाने के लिए कहा। राजा के सिपाहियों ने बाबा को वहां से जाने का आदेश सुनाया, तो बाबा बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और कहते हैं कि उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारे इस राज्य में हमेशा पानी की कमी बनी रहेगी। स्थानीय लोगों का मानना है कि
चिड़ियानाथ बाबा के श्राप की वजह से यहाँ की जगह बंजर हो गई और ये रेगिस्तान का एक हिस्सा बनकर रह गया। यही कारण है कि जोधपुर और जोधपुर के आसपास के इलाकों में पानी की बहुत ज्यादा कमी है। इसका कारण वैज्ञानिक शोध के अनुसार प्लेटों के टकराने से जमीन के ऊपर उठने और नदियों की अपनी दिशा बदलना रही हो या फिर चिड़ियानाथ बाबा का श्राप जैसी प्रचलित कथाएं हो, कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन आज की सच्चाई यही है कि जोधपुर प्यासा रहता है। यहाँ और यहाँ के आसपास के इलाके पूरे तरीके से रेत से ढके हुए हैं और यहाँ पानी की कमी हमेशा बनी ही रहती है। लेकिन जोधपुर के पहले महाराजा राव जोधा ने चिड़ियानाथ बाबा के श्राप को कम करने के लिए राज्य के स्तर पर निचले इलाकों को पानी पिलाने के लिए वाटर टैंक बनवाए। ये वाटर टैंक इंटरकनेक्टेड सिस्टम से आपस में जुड़े हुए थे, जिससे इनमें यहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा होने लगा और इकट्ठे पानी के कारण जोधपुर के निचले इलाकों तक पानी मिलने लगा। ये राव जोधा के द्वारा चिड़ियानाथ बाबा के श्राप को कम करने की तरफ एक प्रयास था, लेकिन ये आज इस दुनिया में लगातार बढ़ती पानी की समस्या का समाधान भी देता है कि हमें रेन वाटर को सेव करके पूरी दुनिया में होने वाली पानी की कमी से इस दुनिया को बचाना है, नहीं तो इस दुनिया में जिस तेजी के साथ पीने के पानी की कमी हो रही है और जिस तेजी से जनसंख्या का विस्तार हो रहा है, एक दिन पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के लिए युद्ध के मैदान में होगी। और मुद्दा देश की सीमाएं नहीं, तेल नहीं, खनिज संपदा नहीं, सिर्फ और सिर्फ पानी होगा। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है डाल राखी बावड़ी। ये सीढ़ियों वाला एक कुआं है जहां पर बारिश के पानी को यहां पर इकट्ठा किया जाता है। ये 16वीं सेंचुरी में बना था। इस बावड़ी में बारिश का पानी इकट्ठा होता है और साल के 12 महीने ये पानी इकट्ठा रहता है। गर्मियों की तपती दोपहरी में जोधपुर शहर के बच्चों को राहत देने का ये सबसे बड़ा वाटर पॉइंट होता है। लेकिन लगातार बदलती मॉडर्न शैली और घरों तक पहुंचे पानी के पाइप ने इस तरीके के ट्रेडिशनल वाटर सेवियर को खत्म कर दिया, जिसके कारण पूरी दुनिया में पानी की कमी हो गई है। इसी अपेक्षा के चलते हुए ये पिछले कई सौ सालों तक उपेक्षित पड़ा रहा। इस ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और ना ही इसे संरक्षित करने का प्रयास किया। इस कारण ये लगभग खराब हो गया, लेकिन हाल ही में एक होटल ने इसे फिर से ठीक करवाने का काम किया है। सैकड़ों साल पहले बनवाई गई इस स्टेप्स वेल में पूरे जोधपुर के आसपास के सभी इलाकों से बारिश का पानी अंडरग्राउंड तरीके से यहां तक पहुंचता है। यहां तक पहुंचते पहुंचते पानी पूरे तरीके से फिल्टर हो जाता है और यहां पर फिर से इकट्ठा होता है, एकदम प्योर एंड स्वीट वाटर। इस स्टेप्स वेल की सफाई के बाद में इस ट्रेडिशनल वाटर सेवियर को एक नई जान पहचान मिली है और लोगों ने जब इसकी सफाई के बाद इसे देखा तो इसके अद्भुत डिजाइन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इन स्टेप्स वेल का उपयोग राजाओं के द्वारा पिकनिक स्पॉट के रूप में किया जाता था। यहाँ पर बने कमरे ठंडे होते थे और पानी की वजह से ये और ज्यादा ठंडे हो जाते थे। साथ ही यहाँ पर पीने का साफ पानी भी मिलता था। आज जब ये ट्रेडिशनल वाटर सेवियर साफ हो गया है तो यहाँ पर पानी की कमी दूर हो गई है, जिससे चिड़ियानाथ बाबा का श्राप खत्म हो गया है। अब चिड़ियानाथ बाबा को सिर्फ यहाँ पर उड़ती हुई चिड़ियाओं के रूप में याद किया जा सकता है। मेहरानगढ़ की चोटी पर आज भी बहुत सारी चिड़ियाओं को देखा जा सकता है। इसमें ब्लैक काइट सबसे प्रमुख है। ये ब्लैक काइट यहाँ पर काफी लंबे समय से मौजूद है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जोधपुर राज्य के झंडे में भी इसे राज्य के चिन्ह के रूप में जगह दी गई है। जोधपुर के मेहरानगढ़ की चोटी पर सिर्फ ब्लैक काइट ही नहीं मिलती है, बल्कि यहाँ पर और भी दूसरी चिड़िया मिलती है, जिनमें से सबसे प्रमुख है स्विफ्ट। ये चिड़िया ब्लैक काइट के मुकाबले बहुत ही छोटी होती है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में पाई जाती है। ये चिड़िया बहुत तेजी के साथ उड़ती है। इनके उड़ने की स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर्स तक होती है, यानी ये चीते की रफ्तार से भी तेज उड़ती है। दुनिया में सबसे तेज उड़ने वाली चिड़िया फाल्कन पक्षी को माना जाता है। जब वो आकाश से जमीन की तरफ आता है तब डाइविंग से उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब वो आकाश से जमीन की तरफ डाइव करता है तब उसकी स्पीड के साथ पृथ्वी की ग्रेविटी भी जुड़ जाती है और इसके कारण उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है।
लेकिन यहाँ पर पाए जाने वाले स्विफ्ट पक्षी में इस तरीके की डाइविंग से स्पीड नहीं मिलती है। ये तो अपने पंखों के कारण इतनी तेज रफ्तार में उड़ पाती है। अगर इन चिड़ियाओं को देखा जाए तो एक चिड़िया के पंखों का आकार इसके शरीर के अनुपात के आकार से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिसके कारण इस छोटे से पक्षी को इसके पंखों से उड़ने के लिए बहुत ज्यादा ताकत मिलती है, जिससे ये 160 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से उड़ पाती है। स्विफ्ट पक्षी हमेशा उड़ते ही रहते हैं क्योंकि ये जमीन पर लैंड नहीं कर सकते। इनके पैर बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। स्विफ्ट पक्षी सिर्फ रात्रि में विश्राम के लिए ही अपने घोंसलों में जाते हैं। ये अपना घोंसला इन किलों में बनाते हैं, जहां पर ये दूसरे पक्षियों के पंख इकट्ठा करके उन्हें अपने सलाइवा से जोड़कर अपना घोंसला बनाते हैं। इन घोंसलों में ये पक्षी सिर्फ आराम करने के लिए ही रुकते हैं, बाकी खाने पीने और मीटिंग के लिए ये हमेशा उड़ते ही रहते हैं। रेगिस्तान में स्थित जोधपुर में बारिश के जाने के बाद कई महीनों तक पानी की कोई कमी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर सर्दियों के मौसम में बहुत सा पानी इकट्ठा रहता है, जिस कारण से एशिया महाद्वीप के बहुत सारे प्रवासी पक्षी यहाँ पर अपना डेरा डाल लेते हैं। सर्दियों के मौसम में उत्तरी एशिया में बहुत ज्यादा ठंड बढ़ने के कारण यहाँ पर रहने वाले पक्षियों के लिए रहने और खाने की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस कारण यहाँ के पक्षी राजस्थान जैसे इलाकों की तरफ अपना रुख कर लेते हैं, जहाँ पर इन्हें पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। सर्दियाँ शुरू होते ही यहाँ पर सबसे ज्यादा डोमिनेंट क्रेन दिखाई देती हैं, जिनकी शानदार आवाज से ये इलाका पूरी सर्दियों तक गूंजता ही रहता है। ये पक्षी मंगोलिया, चीन, साइबेरिया जैसे दूर के इलाकों से माइग्रेट करके यहाँ तक पहुँचते हैं। ये पक्षी यहाँ पर अपने खाने पीने और भोजन की तलाश में आते हैं, और साथ ही ये पक्षी यहाँ पर तब तक रुकते हैं जब तक इनके अंडों से बच्चे निकल नहीं आते हैं और उड़ने लायक नहीं हो जाते। ये माइग्रेट करने वाले पक्षी दुनिया के सबसे सहनशील पक्षी माने जा सकते हैं, क्योंकि ये पक्षी कई बार 4000 किलोमीटर की यात्रा करके भी भारत तक पहुँचते हैं। भारत तक पहुँचने के लिए ये पक्षी सबसे सीधा रास्ता चुनते हैं। इनकी सहनशीलता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अपने इस सीधे रास्ते पर चलने के लिए ये पक्षी हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों से भी ऊंची उड़ान भरकर यहाँ तक पहुँचते हैं। ये पक्षी 26,000 फीट की ऊंचाई तक भी उड़ान भर सकते हैं। ये ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से सिर्फ 3,000 फीट ही कम है। ये डोमिनेंट क्रेन यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी लंबा समय तय करते हैं। कई बार तो इन्हें कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए और आराम किए लगातार उड़ना पड़ता है। इस रेगिस्तान में सिर्फ डोमिनेंट क्रेन ही माइग्रेट होकर के नहीं आते हैं, बल्कि दूसरे और भी पक्षी यहाँ माइग्रेट होकर आते हैं। इनके अलावा यहाँ पर स्थानीय स्तर पर भी कुछ जानवर पाए जाते हैं, जैसे काले हिरण। दोनों को ही हिंदू धार्मिक कथाओं में विशेष स्थान मिला हुआ है। डोमिनेंट क्रेन को यहाँ पर कुरंज पक्षी कहा जाता है, जिसे सदियों तक हिंदू मान्यताओं में प्यार और सुंदरता का प्रतीक माना गया है, जबकि काले हिरणों को भगवान श्री कृष्ण के रथ को खींचने वाले प्रतीक के रूप में भी माना गया है। इसके बावजूद भी इन काले हिरणों का यहाँ पर बहुत ज्यादा शिकार होता रहता है। इस कारण से कभी पूरे भारत में पाए जाने वाले काले हिरण अब सिर्फ सिमटकर थार रेगिस्तान में ही रह गए हैं, जहाँ पर भी इनकी संख्या कुछ हजार में ही बची हुई है। अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगे। अब कुछ महीनों तक जब तक मौसम गर्म नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पर जितने भी वाटर सोर्सेज हैं, पानी के कुएं, बावड़ी, तालाब है, उन सब का पानी इन कुरंज पक्षियों के रहने के लिए काम आएगा। इन काले हिरण के साथ इनके झुंड में बहुत सारी फीमेल हिरणें होती हैं, जिन पर इस मेल हिरण का पूरा एकाधिकार होता है। इस ग्रुप का लीडर वही होता है जो सबसे ताकतवर होता है, जबकि दूसरे छोटे काले हिरण इस झुंड से दूर ही रहते हैं। इस झुंड की फीमेल के साथ मेंटिंग करने के लिए इन मेल काले हिरणों को झुंड के सबसे ताकतवर काले हिरणों के साथ लड़ना होता है। इनकी लड़ाई कई बार बहुत ही खतरनाक हो जाती है, क्योंकि इनके सिर पर 2 फीट लंबे नुकीले सींग पाए जाते हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ पर खाने और पीने की भरमार होती है, लेकिन थार के रेगिस्तान में
सर्दियों को गर्मियों में बदलते देर नहीं लगती। यहाँ मार्च आते आते दिन का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर रहने वाले सभी जीव इस तापमान में रहने के लिए अपने आप को ढाल लेते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले डंग बीटल रेत के गर्म होने से पहले ही अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो वहीं यहाँ पर पाए जाने वाले रोहिड़ा जैसे वृक्ष, जो तपती तेज गर्मी में भी अपने फूलों को खिलाकर रखता है, इन फूलों का रस यहाँ पर रहने वाले दूसरे बहुत से इंसेक्ट और पक्षियों के खाने का मुख्य स्रोत होता है। अब आपको लगता होगा कि इन सभी जीवों को यहाँ पर रहने के लिए किसी भी प्रकार की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। तो यहाँ रहने वाले जीवों को सिर्फ प्राकृतिक परिस्थितियों से लड़ना रहता है, तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियाँ ही जीवन के लिए हानिकारक नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर खतरनाक शिकारी भी पाए जाते हैं। यहाँ ग्लॉस बेली रेसर नाम का एक सांप पाया जाता है, जो आकार में बहुत ही छोटा और बहुत ही कम जहरीला होता है। ग्लॉस बेली रेसर सांप अपनी टांग के सेंसिटिव हिस्सों से हवा में होने वाली छोटी से छोटी हरकत को भांप लेता है। इस कारण से ये बहुत ही सतर्क जानवर है। भले ही ये शिकारी हो, लेकिन रेगिस्तान में पाए जाने वाला कांटे वाला चूहा इसका शिकार आसानी से कर सकता है। ये शिकारी आकार में बहुत ही छोटा होने के साथ साथ बहुत ही फुर्तीला भी होता है। ये ग्लॉस बेली रेसर को आसानी से खा सकता है, इसलिए रेगिस्तान में ग्लॉस बेली रेसर कांटे वाले चूहे को देखकर दूर से ही भाग जाता है। सोर्स स्केल्ड वाइपर ये रेगिस्तान का सबसे खतरनाक जानवर है। ये दुनिया के सबसे जहरीले जानवरों में से एक है। सोर्सेज स्केल्ड वाइपर को ये नाम इसलिए मिला क्योंकि जब ये गुस्से में होता है, तब ये अपने स्कल को आपस में रगड़कर सोर्सेज आवाज निकालता है। इस कारण इसे सोर्सेज स्केल्ड वाइपर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ये सोर्सेज आवाज सामने खड़े किसी भी जानवर या व्यक्ति के लिए एक खतरे की घंटी होती है, क्योंकि सांप इस आवाज से ये बताना चाहता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। जब ये बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, तब ये तेजी से शिकार की तरफ समुद्र की लहरों की तरह चलते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। सोर्सेज स्केल्ड वाइपर अधिकतर लेट नाइट या शाम को ही शिकार पर निकलता है। ये रेत पर साइड वेवलेंथ से अपने शिकार की तरफ आगे बढ़ता है और रेत पर चलता है। इसका अजीब तरीके से चलने का ये तरीका इसलिए अजीब है क्योंकि जब ये चलता है, तो इसकी बॉडी के आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा इस तरह से सिर्फ दो पॉइंट ही जमीन के संपर्क में रहते हैं और बाकी का हिस्सा हवा में रहता है, जिससे ये रेत की गर्मी से अपने आप को बचाए रखता है। इसकी बॉडी का ये मोशन इसे दिन की तपती दोपहरी में भी शिकार करने की अनुमति देता है। यही कारण है कि सोर्सेज स्केल्ड वाइपर रात की बजाय दिन में भी कभी कभी शिकार पर निकल सकता है, लेकिन फिर भी अधिकांशतः ये रात में ही अपने शिकार पर निकलता है। लेकिन आपकी खुशी के लिए एक बात बता देते हैं कि दुनिया का ये सबसे खतरनाक और जहरीला जानवर इंसानों से काफी दूर रहता है। ये बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि जब ये काटता है, तो शरीर में हेमोटॉक्सिक नाम का एक जहर शरीर में इंजेक्ट करता है, जिससे शरीर की मसल्स टूटने लगती है और काटे हुए व्यक्ति की भयंकर दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। थार रेगिस्तान का पश्चिमी हिस्सा पूर्वी हिस्से से काफी बड़ा है और बहुत ज्यादा बंजर भी है। विज्ञान की भाषा में रेगिस्तान उन इलाकों को कहा जाता है जहाँ पर साल भर में 10 इंच से भी कम बारिश होती है तथा जहाँ पानी के भाप में बदलने की गति भी बहुत ज्यादा होती है। यही नहीं, ये ऐसे इलाके होते हैं जहाँ साल भर में बारिश तो बहुत ज्यादा कम होती है, साथ ही साथ जो पानी बारिश के साथ नीचे आता है, वो तेजी के साथ भाप बनकर उड़ भी जाता है। आज बारिश की कमी और दूर दूर तक फैली रेतीली और बंजर जमीन से जूझने वाला ये पश्चिमी राजस्थान का थार मरुस्थल हमेशा से ऐसा नहीं था। आज से लगभग 10,000 साल पहले यहाँ पर हिमालय से निकलने वाली बड़ी बड़ी नदियाँ बहती थी। अगर हिंदू शास्त्र धर्म शास्त्र की बात करें, तो यहाँ पर सरस्वती नदी बहती थी। इस इलाके में ही सरस्वती और सिंधु नदियाँ बहती थी, जिसमें से सरस्वती नदी का अस्तित्व खत्म हो चुका है तथा दूसरी बड़ी नदियाँ अपना रास्ता बदल चुकी हैं। यही कारण है कि इन इलाकों में हजारों साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता जैसी विकसित सभ्यताओं ने जन्म लिया। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष वाले शहर
मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, कालीबंगा, इसी थार रेगिस्तान का हिस्सा थे। ये सभी विकसित सभ्यताएं सिंधु नदी और सरस्वती नदी के किनारे पर ही विकसित हुई थी। जैसे जैसे प्लेट के टकराव के बाद जमीन ऊपर उठने लगी, वैसे वैसे अधिकतर नदियों ने अपने बहने के रास्ते को बदल लिया और कुछ नदियां हमेशा के लिए गायब हो गई, जिसके कारण इसके किनारों पर बसे बड़े बड़े विकसित शहर और सभ्यताएं भी खत्म हो गई। यहाँ राजस्थान के पश्चिम में भारत पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी है। इस बॉर्डर पर घुसपैठियों को रोकने के लिए भारत ने फेंसिंग की हुई है और इस बॉर्डर की सुरक्षा करती है दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF। ये BSF के जवान थार मरुस्थल की विपरीत परिस्थितियों में भी सीमा पर डटे रहते हैं और देश की सुरक्षा करते हैं। ये BSF के जवान यहाँ पर पेट्रोलिंग के लिए हजारों सालों से काम आने वाले तरीके काम लेते हैं, यानी ऊंट की सवारी से पेट्रोलिंग करते हैं। यही कारण है कि पूरी दुनिया में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में ही स्पेशल कैमल रेजिमेंट है। ये कैमल रेजिमेंट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकेंड दोनों में अपना प्रदर्शन कर चुकी है। रेगिस्तान का जहाज कहलाने वाला ऊंट हमेशा से ही इतना बड़ा और विशाल जानवर नहीं था। आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले ये एक छोटे खरगोश के जितने ही आकार का था, लेकिन लगातार बदलती परिस्थिति और उन परिस्थितियों में खुद को ढालने की गति की वजह से आज ये इतना बड़ा विशाल काय जानवर बना। आज ऊंट 8 फीट ऊंचा और 700 किलो वजनी होता है, जबकि इसके पूर्वज आज से बहुत ही छोटे होते थे। लगातार सर्वाइव करते हुए एंशियंट कैमल के पूर्वज अपने आप में काफी बदलाव करते रहे और आज इसमें इतने सारे बदलाव है कि हम कह सकते हैं कि ऊंट को सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान में रहने के लिए ही डिजाइन किया गया है। लगातार बदलाव की वजह से कैमल रेगिस्तान में कई दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है। ऊंट की पीठ पर पाए जाने वाला कूबड़ इसके द्वारा खाए गए खाने और पानी को वसा के रूप में एकत्र कर लेता है, और जब ऊंट को खाने के लिए और पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, तब ये इसकी पूर्ति अपने हम्प से करता है। रेगिस्तान की रेतीली जमीन आपको और हमें चलने और दौड़ने से रोकती है। रेगिस्तान की रेतीली जमीन के बीच नमी की मात्रा बहुत बहुत ज्यादा कम होने के कारण ये आपस में बॉन्डिंग नहीं बनाती है। इसके कारण सामान्य व्यक्ति जब इस रेत पर चलता है तो उसके पैर रेत में धंस जाते हैं। यही कारण है कि ऊंट के पैर गद्देदार हो गए, जिसके कारण जब ऊंट रेत पर चलता है तो उसके पैर बहुत ज्यादा क्षेत्रफल कवर करता है, इसलिए इसके आकार के अनुपात में बहुत ज्यादा क्षेत्रफल घेरने की वजह से ये रेत पर आसानी से चल और दौड़ पाता है। लगातार मरुस्थल में रहने के कारण इसके शरीर का रंग भी बदल गया है। इसका भूरा और रेत के कलर जैसा रंग इसे रेगिस्तान में शिकारियों से बचाता है। साथ ही साथ ये हल्का कलर सूरज की रोशनी को बहुत ही कम मात्रा में अवशोषित करता है, जिससे ऊंट सूरज की गर्मी में भी आसानी से चल पाता है। ऊंट के लंबे पैर इसे तपती रेत से बहुत ज्यादा ऊंचा रखते हैं, जिसके कारण ऊंट का शरीर जल्दी से गर्म नहीं हो पाता है और ऊंट रेगिस्तान में चल नहीं पाता है। BSF के पास जो ऊंट होते हैं वो लगभग 500 किलो वजन लेकर रेगिस्तान में लगातार 6 घंटे तक चल सकते हैं। रेगिस्तान ऐसे ही अद्भुत जानवरों से भरा हुआ है। यहाँ पर मई से जून का तापमान 50 डिग्री से ऊपर जाना एक आम बात होती है। इस समय रेगिस्तान की रेत तपती भट्टी की तरह आग उगलती है। इस चिलचिलाती धूप से बचने के लिए बहुत सारे जानवर रेगिस्तान की सख्त जमीन में बिल बनाकर रहते हैं और ये पानी भोजन की तलाश में सुबह या रात को ही निकलते हैं। ऐसा ही एक अद्भुत जानवर है रेगिस्तानी चूहा। ये रेगिस्तानी चूहा अपनी जरूरत का पानी खाने वाले पेड़ पौधों से ही प्राप्त कर लेता है, इस कारण ये महीनों तक बिना पानी के रह सकता है। इस तरीके का एक और बिल में रहने वाला जानवर जो रेगिस्तान में पाया जाता है स्पाइनी टेल लिजर्ड। इस जानवर को ये नाम इसकी लंबी और मोटी पूंछ के कारण मिला है, जिस पर स्पाइन्स होते हैं। ये एक शाकाहारी जानवर है जो अपने भोजन के अधिकतर फैट को अपनी पूंछ में स्टोर कर लेता है, और जब खाना नहीं मिलता है तब ये अपनी पूंछ में स्टोर फैट से ही भोजन प्राप्त करता है।
इसकी इसी स्पाइनी टेल के कारण इसका बेरहमी से शिकार किया जाता है। यहाँ पर रहने वाले स्थानीय लोगों को लगता है कि इसकी पूंछ से निकलने वाले तेल में एप्रोडीसीएल प्रॉपर्टी होती है, इस कारण से इसका काफी ज्यादा शिकार किया जाता है। रेगिस्तान की ये अद्भुत दुनिया काफी रोमांचक है और काफी मजेदार भी।